बरेली में बिजली विभाग के जेई ने अपने ममेरे भाई के माथे पर किसी नुकीली वस्तु से कुरेद कर दूसरे समुदाय का धार्मिक उद्घोष लिख दिया। इस पर पीड़ित के घर वालों ने आरोपी जेई के घर के बाहर हंगामा किया। प्रेमनगर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया, लेकिन पीड़ित पक्ष ने तहरीर देने से इनकार कर दिया। वहीं घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। प्रेमनगर के मोहल्ला शाहबाद में रहने वाला समुदाय विशेष का मानसिक मंदित युवक परिवार वालों के साथ बिजली विभाग के जेई शादाब खान उर्फ सोबी के ही दूसरे मकान में रहता है। युवक के परिवार वाले मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते हैं। युवक के परिजनों का आरोप है कि 5 दिन पहले शादाब खान ने उनके बेटे को बुलाया, किसी नुकीली वस्तु से उसके माथे पर दूसरे समुदाय का धार्मिक उद्घोष लिख दिया। पहले तो वो लोग इसको लेकर आपस में ही बात करते रहे, लेकिन रविवार दोपहर युवक के परिवार की महिलाओं ने शादाब खान के घर हंगामा शुरू कर दिया। आरोप लगाया कि शादाब ने धार्मिक भावनाएं आहत कर मानसिक मंदित युवक की स्थिति का मजाक उड़ाया है। हंगामा होने पर वहां भीड़ जमा हो गई। इस पर शादाब उन महिलाओं से भी भिड़ गया। सूचना पर प्रेमनगर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़कर थाने ले गई। जेई के घर पर हंगामा और युवक के माथे पर धार्मिक उद्घोष लिखे होने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन पीड़ित पक्ष ने तहरीर देने से इनकार कर दिया है। इंस्पेक्टर प्रेमनगर राजेश सिंह ने बताया कि युवक मानसिक मंदित है और आरोपी जेई उसका फुफेरा भाई है। उससे पूछताछ की जा रही है, अगर तहरीर दी जाएगी तो रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई करेंगे। इसने इस तरीके से करा है, उसको बताया इसकी माँ बर्तन झाड़ू करती थी, उनके घर में बर्तन झाड़ू करती थी माँ इसकी, और इन लोगों ने इस तरीके से उसको करा। किसने ने लगा ये सभी ने लिखा, शबनम के लड़के ने, और कह रही है मैं मजाक करी, इसने ये लवस कह मजाक करी। ये बताओ क्या नाम है इस बच्चे का? इसको हम सब बाबू कहते हैं, बचपन से इसको बाबू कहते हैं। ये विकलांग है ये? ये दिमाग का ऐसी है, शुरू से बचपन से ही ऐसी है। किसने लिखा ये नाम? ये सभी ने।